फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास में हमारा चौथा टॉपिक चलेगा जिसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक लंबा है इसलिए हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। देखिए, पढ़ना है समाजीकरण क्या है। समाजीकरण है एक बच्चे को समाज में रहने के योग्य बनाना। तो देखते हैं क्या है। शैक्षिक समाजशास्त्र के विद्वान, यानी कि इन्होंने सबने तो अपना अपना डिफिनेशन दिया है, लेकिन इसे एक जो बोगाडा है उनके अनुसार हम देखते हैं समाजीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी है उन्होंने। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखते हैं, जिसके द्वारा सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संतुलित व्यवहार व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करते हैं। एक ऐसा व्यवहार बनकर आता है सामने जिससे वो सामाजिक प्राणी बन सके। फिर आगे दिया है, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। जैसे कि आपने देखा था कि रामू भेड़िया जो था, जब वो समाज से अलग था, जिसके कारण उसका सामाजिक विकास अच्छे से न हो सका। तो यहाँ दिया जा रहा है कि समाज से बाहर रहकर नहीं हो सकता। ये व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है। समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता और अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और जीवित रहती हैं। और आगे क्या है, समाज और बालक। समाजीकरण के तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, वो तत्व कौन से हैं। पालन पोषण का तरीका, सहानुभूति का स्तर एवं प्रकार, सहकारिता, निर्देश, आत्मीकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण इत्यादि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारण हैं। अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे पालन पोषण। यहाँ पे ये हेडिंग नहीं डाली गई है तो मैं यहाँ पे बता दूं। यहाँ यह है पालन पोषण, जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार के माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं उसी के अनुसार बालक की भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित होती हैं उसके पालन पोषण के अकॉर्डिंग। फिर दिया है, जिसका अर्थ यह है कि जिस बालक की देखरेख उचित ढंग से नहीं होती उसमें समाज विरोधी आचरण विकसित हो जाता है। यानी कि अगर पालन पोषण में आपकी त्रुटि है तो बच्चे का सामाजिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। फिर आगे दिया है सहानुभूति। सहानुभूति क्या है? बच्चे पूरी तरह से, बच्चा आप पर जब वो शैशवावस्था में है तो पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में सिर्फ डिपेंड ही नहीं करता, वो आपसे कुछ उम्मीदें भी रखता है। किस मामले में? उसकी भावनाओं को लेकर जो उम्मीदें बनती हैं आपसे, वो उस मामले में पर आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो बच्चा आपकी आपसे दूर हटने लगेगा। तो ये बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि बालक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सब कुछ नहीं, वरन उसके साथ सहानुभूति रखना भी आवश्यक है। यानी कि आप उसकी भावनाओं को कदर करेंगे तो आपके बच्चा ज़्यादा क्लोज रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक फैमिली में अगर बच्चा है तो वो एक सदस्य से ज़्यादा क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी भावनाओं की कदर करता है। फिर आगे दिया है सहकारिता। यहाँ सहकारिता का तात्पर्य सहयोग से है। अगर आप बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो उसका सहयोग करेंगे तो उसके अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि सहयोग करना एक अच्छा काम है, और वो क्या करेगा, वो यही फीलिंग किसी और से करेगा। यानी कि अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो भी जाके वो बच्चा उसकी हेल्प करेगा। तो ये क्या होता है, सहयोग की भावना विकसित करता है, जो समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण तत्व है। फिर आगे दिया है निर्देश। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि तुम ये काम करो। तो क्या करता है बच्चा, जानता है, उसे बार बार एक ही चीज़ के लिए आप कहेंगे हर दिन हर पल, तो क्या होगा, बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये घर कर जाएगा कि हाँ ये काम अच्छा है, इसलिए तो उसे माँ बाप उसके कह रहे हैं। तो क्या होता है, उसको निर्देश देना भी एक समाजीकरण की प्रक्रिया का एक मुख्य तत्व बन के सामने आता है। आत्मीकरण क्या है? आत्मीकरण का मतलब तात्पर्य यहाँ पर है कि बच्चा आपको अपना करता है, यानी कि जिसे वो अपना समझता है। तो क्या है, अगर आपका व्यवहार, माता पिता, परिवार, पड़ोस का अगर व्यवहार उसके प्रति सहानुभूत होता है तो क्या होता है, उसके प्रति आत्मीकरण की भावना उसके अंदर विकसित होती है। तो होता है क्या है, वहाँ पे वो जिसे अपना एक्सेप्ट, अपना अपना समझता है, तो क्या होता है, उसके आदर्श जो उसके अंदर आदर्श होते हैं सामने वाले के प्रति, वो उनका अनुकरण करता है। क्योंकि बच्चे का एक स्वाभाविक सा गुण है अनुकरण करना, तो उसे आदर्श समझकर, उसे अपना समझकर वो उसके जैसे अनुकरण करता है उनके व्यवहार को। फिर यह अनुकरण ही दिया है, आगे देखिए, जिसे बच्चा अपना आदर्श समझता है उसके
रहन सहन, बोलने का तरीका, जो उनका स्वभाव, कार्य करने का तरीका है, उन्हें वो अनुकरण करता है, यानी कि उन्हें अच्छा समझने, जिसे कहते हैं हम हीरो, आपने देखा होगा कि बच्चा जिसे अपना हीरो समझते हैं और खुद को उसी तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये होता क्या है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो बच्चा भी अच्छे व्यवहारों को एक्सेप्ट करेगा। तो ये अनुकरण भी एक तरह का तत्व तो है उसके समाजीकरण की प्रक्रिया में। फिर आगे आता है मैं समाजीकरण शिक्षण, सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण क्या है, जैसे कि आप परिवार में ही हैं, बच्चे का कोई भी क्रिया खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो क्या कहते हैं, बेटा आप ऐसा मत करो, ऐसे खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, आप ऐसा करो वरना लोग क्या कहेंगे, आपको बुरा कहेंगे। तो ये क्या है, एक समाजीकरण के प्रति उसके अंदर भावना पैदा कर रहे हैं कि आप ऐसा आदर्श अपना सामाजिक व्यवहार बनाओ ताकि आपको कोई बुरा ना करे। तो यानी कि क्या होता है, ये सामाजिक शिक्षण के रूप में सामने आता है। फिर आता है पुरस्कार एवं दंड। आपने देखा होगा कि बच्चा अगर अच्छा व्यवहार करता है तो उसे उसकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है, और वही समाज के विपरीत वो उसका व्यवहार खराब होता है, नकारात्मक होता है, तो उसे हम दंड भी देते हैं। तो यहाँ पे पुरस्कार एक दंड भी बालक के समाजीकरण के रूप में उभर कर सामने आता है। फिर आगे दिया है बालक का समाजीकरण करने वाले अन्य महत्वपूर्ण तत्व, यानी कि बालक के इन तत्वों के अलावा भी और भी ऐसे तत्व हैं जो बालक के समाजीकरण की भूमिका निभाते हैं। अब देखिए समाजीकरण की भूमिका में कौन कौन से हैं। बालक के समाजीकरण में उसका परिवार, पड़ोस, स्कूल, उसके साथी, उसका समुदाय, धर्म इत्यादि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो परिवार हम देखते हैं, परिवार में सबसे पहला होता है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है, तो यहाँ से कंट्रोल, नियंत्रण जो भी बनता है वो सबसे पहले परिवार का बनता है। दिया है जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुण को सीखता है, और ये किसके अंतर्गत होता है, एक परिवार के अनुसार। अभी देखिए, अभी परिवार भी वही चीज भूमिका निभाता है जो पड़ोस, क्योंकि परिवार के ही समान पड़ोस भी है। परिवार एक छोटे परिवार के रूप में और पड़ोस जो होता है एक बड़े परिवार के रूप में सामने आता है। तो वहाँ क्या होता है, यदि परिवार अगर पड़ोस आपका अच्छा न हो तो बच्चे पर ये दुष्प्रभाव डालता है। तो यहाँ दिया है यदि पड़ोस अच्छा हो तो बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना है, और यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पड़ोस का भी प्रभाव बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। फिर आगे दिया है स्कूल। आपने देखा अभी पड़ोस में कई परिवार के बच्चे आपस में मिलते हैं तो उनका योग होता है और समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ परिवार के ही नहीं, यहाँ अलग अलग क्षेत्र या समाज के भी बच्चे आते हैं, कई धर्मों के लोग आते हैं और अध्यापक आते हैं जिनका प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे उसका प्रभाव है, तो विभिन्न विषयों से प्रत्यक्ष दिशा शिक्षा द्वारा समाजीकरण नियमों, रीति रिवाजों, परंपरा, मान्यता, विश्वास तथा आदर्शों, यानी कि कहा जा रहा है कि आप बुक के माध्यम से भी आप बच्चे के समाजीकरण करते हैं, जैसे स्टोरी के माध्यम से जो बुक्स में होती हैं उनके माध्यम से मान्यताओं को सिखाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये आदर्श सिखाते हैं, और बस उसके जस्ट उसके बाद क्या होता है, उसके विभिन्न सामाजिक योजनाओं जो प्रक्रियाएं होती हैं स्कूल में उनमें वो भाग लेता है, और भाग के स्वरूप भी वो इन आदर्शों को एक्सेप्ट कर लेता है, और वहाँ पे टीचर्स होते हैं कई, जो कई तरह के टीचर जो आदर्शों को उनके अंदर डालते हैं जिससे वो प्रभावित होता है, तो इस तरह से स्कूल भी उसे प्रभावित करता है। फिर आता है बालक के साथी। अब यहाँ पे देखिए इसको पूरा पढ़ना है हमें। प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है, वह खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभावों को ऊपर उठकर दूसरे बालक के साथ अंतर क्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है, इस कार्य में उसके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी हो गया। फिर आगे दिया है समुदाय। देखिए समुदाय हर समाज में अलग तरह के होते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि इस बालक में समाजीकरण, समुदाय तथा समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक समाज या समुदाय के बच्चे के ऊपर अपना इतना प्रभाव डालना चाहता है, वो सोचता है ये उसका परम कर्तव्य है कि बच्चे का समाजीकरण करे। तो यहाँ देखें इन साधनों के अंतर्गत जाति तथा राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्व धारणाएं आदि इत्यादि आती हैं आपके किसके अंदर, समुदाय के अंतर्गत। अब आगे है धर्म। धर्म का भी बच्चे के समाजीकरण पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चा जिस धर्म तो होता है उसके संस्कार, परंपरा, आदर्श आदि जो मूल्य होते हैं उसे एक्सेप्ट करता है, और जब वो इसी तरह के धर्म गुरुओं के संपर्क में आता है तो उसी के अनुसार अपने व्यवहार को स्वाभाविक रूप देता है।
आगे है समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका। अभी आपने जो पढ़ा वो था समाजीकरण, यानी कि बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है। बट आप टीचर बन रहे हैं तो इसलिए एक अध्यापक के लिए जरूरी होता है वो बच्चे का समाजीकरण कैसे करे। हालांकि अध्यापक स्कूल के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्कूल में आपको अलग तरीके से सिखाया जाता है और जो रोल वाले कैरेक्टर होते हैं वो करते हैं, जिससे बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया को होती है। बट यहाँ पे सिर्फ एक मोटे तौर पे यही कहा जा रहा है कि एक अध्यापक की क्या भूमिका है। तो देखिए, स्कूल शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है। एक प्रश्न यहीं से बनता है कि स्कूल क्या है, शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। और फिर दिया है, स्कूल में खेल द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामाजिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार स्कूल बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। तो ये तो विद्यालय के लिए कहा गया, ये विद्यालय के लिए कहा, लेकिन हमको देखना है एक टीचर। तो देखिए, एक टीचर के लिए क्या है, शिक्षक के स्नेह, शिक्षक का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ दिया है, शिक्षक के स्नेह, पक्षपात, अच्छे व बुरे व्यवहार आदि का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। वह कक्षा और खेल के मैदान में साहित्यिक तथा सांस्कृतिक जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं, लोक प्रचलित कथाएं होती हैं, वो उनको प्रेजेंट करता है, जिसके माध्यम से बच्चे में एक आदर्श व्यक्तित्व का, खुद के आदर्श व्यक्तित्व का प्रस्तुत करता है, जिसे बालक अनुकरण करता है। क्योंकि बालक का स्वभाव से गुण है अनुकरण, और वो जिसे अपना आदर्श समझता है उसी के व्यवहारों का अनुकरण करता है। तो मूल प्रत्यय के कारण शिक्षक के कार्य आदतों और रीति का अनुकरण करता है। अतः यह अध्यापक का कर्तव्य बन जाता है कि वो बच्चे के सामने आदर्श प्रस्तुत करे, क्योंकि अध्यापक के कथनों तथा कार्यों की छाप बालक पर लग जाती है। तो यहाँ पे दिया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक निम्न कदम उठाए, कौन कौन से वो कदम है जिसे इस प्रक्रिया में किए जाए। तो यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उसे समय समय पर अभ्यागकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए तथा मिलजुल कर बच्चे के विकास के संबंध में सोचना चाहिए तथा कार्य करना चाहिए। उनके माँ बाप को और टीचर्स को मिलकर ये फैसला करना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। दूसरा है, बच्चे के सामाजिक संस्कृति व समाज में प्रचलित मान्यताओं का ज्ञान देना चाहिए। तीसरा है, छात्रों के सामने सामाजिक आदर्श स्थापित करना चाहिए। चौथा है, छात्रों को स्कूल के परंपराओं से परिचित कराना चाहिए। पांचवा है, सामाजिक योजनाओं तथा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो क्रियाएं होती हैं स्कूलों में, एक्टिविटीज उसके लिए है। और छठा है, स्कूल में विभिन्न परिवारों में बच्चे आते हैं, उनकी संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है, अतः अध्यापक को बच्चे में अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करना चाहिए। सातवां है, अध्यापक को सहयोगियों, छात्रों तथा प्रधानाचार्य के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। और आठवां है, बालक के साथ स्नेह तथा सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक बच्चे के व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं पे अपना ये समाप्त करते हैं, और आगे देखिए इसी में दूसरा पार्ट में क्या पढ़ेंगे, बच्चे के समाजीकरण में माँ बाप की भूमिका, और इसी के बाद है बच्चे के समाजीकरण में खेल की भूमिका। तो ये हम दूसरे टॉपिक, इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट में देखेंगे। और आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं।